हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा बायोफ्लॉग टैंक का फिश का अपडेट है। तो आज सुबह मैंने कुछ मछली निकाला, उसमें से देखने के लिए इसका साइज़ कितना बड़ा हुआ। अभी एक एक मछली का जो लगभग वज़न आया 250 ग्राम प्लस है, ये सारे 250 ग्राम प्लस है। सारे मछली जो है 250 प्लस है। ये जो मछली है, मैं सोच रहा हूँ ये फेब्रुअरी का लास्ट में और मार्च का पहले में इसको मैं निकाल के बेच दूँगा सारा। अभी जो है इसका 250 ग्राम है, तो मेरा जो अनुमान है ये फेब्रुअरी और मार्च तक सारे हाफ किलो का प्लस हो जाएगा, हाफ किलो प्लस होगा। ये देखो इसका साइज है, और इसका जो है ना एक्टिविटी जो है बहुत फास्ट है, ये आ ही नहीं रहा था। और मेरे वहाँ पर अभी 4 फीट का ऊपर पानी है, तो जो मछली है मैं उसमें से जो बड़ा बड़ा है वो मैं नहीं निकल पाया। अगर वो मैं निकल लेता तो आप लोगों को दिखाता। हालांकि मैंने पानी छोड़ा नहीं, वो ऐसे ही जाके वो जाल से, अभी पानी भी काफ़ी ठंड है तो जाल से निकाला। ये रहा, ये जो है ये बंगाल में इसको मृगल मछली बोलता है। ये भी 4 महीने में अच्छा साइज आया। ये रहा, ये रहा, ये रहा। कुछ ही निकाला मैंने, अभी तो ठंड यहाँ पर मतलब करीब करीब हो गया। अभी टेम्परेचर जो है यहाँ पर 16 डिग्री 14 डिग्री ऐसा है, कल मैं मोबाइल पे देख रहा था। तो इसलिए मेरा मछली का जो है दिन में 16 रहता है, रात को 14 12 ऐसा चले जाते हैं। अभी मछली जो है खाना भी थोड़ा कम ले रहा है, इसलिए इसका ग्रोथ मतलब उतना बड़ा नहीं, वरना ये 350 ग्राम प्लस हो जाता इतने 4 महीने में। और आप लोग जो है बायोफ्लॉग करना चाहते हो तो करिए, इसमें प्रॉफिट है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो बायोफ्लॉग होना चाहिए, ऐसे नहीं मैं टैंक बना के मछली डाल दूँ। बायोफ्लॉग जो है वो सही तरह से होगा तो ही मछली बढ़ेगा।